सो गैस आप लोग देख रहे हैं जो पल्सर है 150 जो एपी वैन में है वो हम लोग का शॉप में लेके आ चुका है कस्टमर। तो एक गाड़ी में क्या हुआ तो आपको मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो मैकेनिक स्टाफ है वो गाड़ी को उतारने के लिए 5 आदमी लग चुका है हम लोग का स्टाफ। तो इस गाड़ी को आप लोग को मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले इस गाड़ी को नीचे उतार के इस आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में एक्चुअली में प्रॉब्लम हुआ क्या है, ठीक है। तो एक क्यू एपी वैन में उठा के लेकर आया है, तो सबसे पहले गाड़ी को नीचे उतार के आपको दिखाता हूँ इसका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। तो पल्सर 150 है BS4, तो आप लोग देख सकते हैं वो नीचे उतर दिया है। अभी हम लोग चाबी को ऑन करके जो इसका जो सेल्फ है सेल्फ बटन को हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो किट किट साउंड करता है, बाकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है सेल्फ से, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ इसमें किक दिया गया है, तो अभी किक का उपयोग करके आपको दिखाता हूँ जो किक से स्टार्ट होता है कि नहीं। तो किक का उपयोग करने के बाद आप लोग देख सकते किक पूरा जाम हो चुका है, तो एक गाड़ी का इंजन घूम नहीं रहा है, तो उसके वजह से हम लोग जो इसका सिलेंडर किट है उसको हम लोग निकल रहा है। तो सिलेंडर किट को निकलने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा इस गाड़ी में हुआ क्या था, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ इसका जो पिस्टन है वो पिस्टन देख रहे हैं आप लोग पूरा सीज कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हो मैकेनिक देख रहे हैं हम लोग का स्टाफ। तो एक पिस्टन जो है ना पूरा सीज मार दिया है, मतलब ये पूरा खराब हो चुका है, ब्लॉक दागी कर दिया है। तो इसका कंडीशन इस तरह से है, अगर हो जाता है तो क्यों होता है आपको पता है, तो इसका गाड़ी का अंदर इंजन ऑयल नहीं था, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सिलेंडर किट हम लोग नया खरीद कर लेके आए 2984 रुपीज़, ठीक है। तो इसका प्राइस है तो बजाज कंपनी का हम लोग सिलेंडर किट इसमें ऐड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं नया सिलेंडर किट हम लोग अच्छे तरीके से फिटिंग कर दिया है। और गाड़ी को हम लोग इसको सब सारे चीज़ फिटिंग करके आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ स्टार्ट होता है कि नहीं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस गाड़ी में इस तरह से प्रॉब्लम क्यों हो गया था, इसका इंजन ऑयल नहीं था, ठीक है। बहुत देरी करके इंजन ऑयल चेंज किया था, इसका जो क्लच हाफ से सेंटर है वो सारे चीज़ ख़राब हो चुका है, क्लच डिस्क भी ख़राब हो चुका है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो टॉप में लगा हुआ है हम लोग टाइमिंग चेन को भी अच्छा तरीके से ऐड कर दिया है। अगर आपका जो इसका जो हेड और सिलेंडर किट कैसे बिठाना चाहे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियो में आप लोग को इसको कैसे बिठाना चाहिए कैसे फिटिंग करना चाहिए वो अगर आपको देखना है तो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस हेड को जो है हेड को फिटिंग करने के पहले आपको कार्बेटर को आपको सेटिंग कर देना होगा, क्योंकि इसका जो कार्बेटर है तो हेड और सिलेंडर हम लोग फिटिंग कर दें और बट इसका जो इधर में एक पाइप लगा रहता है और इसका जो हेड है ना इधर में एक बोल्ट दिया जाता है, तो इधर में बोल्ट नहीं देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसलिए इसका हेड को बैठाने के पहले आपको कार्बेटर में आपको सेटिंग कर देना होगा उस पाइप में, ठीक है। तो अभी आपका जो इस कार्बेटर निकल पाओगे, वरना इसका जो कार्बेटर है वो नहीं निकलता है, तो मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ इसका कार्बेटर क्यों नहीं निकलता है बिना हेड खोल के, ठीक है। इधर में आप लोग देख सकते हैं सेसिस दिया गया है इसका, इस सेसिस का इधर फंस जाता है कार्बेटर, तो इसके वजह से इसका जो कार्बेटर है इधर से नहीं निकलता है। इसके हेड को खोलने से आपको अच्छा होता है इसका जो कार्बेटर है उसको निकलने के लिए। तो इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, इधर में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी एक सेसिस लगा हुआ है, तो इस तरफ खींचोगे तो इस तरफ में फंसता है सेसिस में, उस तरफ खींचोगे तो उस तरफ सेसिस में फंसता है, तो इस टाइप का हो जाता है। तो इसलिए इसका कार्बेटर खोलने से आपको हेड को खोलने से अच्छा होता है। हेड को भी आप लोग हेल्प सब ये सब अगर आप लोग चेक कर देता है तो आपका गाड़ी का कुछ भी मिसिंग का प्रॉब्लम होता है तो आपका गाड़ी का सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको हेड खोल के और कार्बेटर को क्लीन करके आपको अच्छा तरीके से इसको फिटिंग कर देने चाहिए, तो अभी आपका गाड़ी स्मूथली चलेगा, ठीक है। तो अभी हमको दिखाता हूँ इसका जो पुराना कैमसाब है ऐसे ही है, ये ख़राब नहीं हुआ है। और इसका जो रॉकर है ये भी हम लोग नया ऐड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं इधर में ऐड हो गया है, तो ये नया रॉकर लगा दिया है हम लोग। तो इधर में इसका बजाज कंपनी का रॉकर लेकर आया था हम लोग जेन्युइन पार्ट्स, तो अभी पुराना वाला आपको मैं दिखाता हूँ। इसका जो रॉकर है ये देख सकते हैं आप लोग पूरा ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर में मोबिल नहीं था, इंजन ऑयल नहीं था, इसलिए इसका बेयरिंग सब ख़राब हो चुका है। रॉकर का आपको मैं प्ले दिखाता हूँ, इसका प्ले कैसे हो गया है आप लोग देख सकते हैं कितना हिल रहा है। तो इसको अगर हम लोग लगा देता है इस गाड़ी में अगर फिटिंग कर देता है तो इसके वजह से किट 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 करके साउंड करता है, ठीक है। इसलिए इस रॉकर को भी आपको चेंज कर देना होगा, इस दोनों प्लग जो है प्लग को भी आपको चेंज कर देना होगा। उसका बाद में आपको दिखाता हूँ इसका जो वेल्व है, ये वेल्व भी इसका ख़राब हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा ब्लेड कम हो चुका है, पतला हो चुका है,
आप लोग देख सकते हैं। इसलिए हम लोग इस वेल्व को भी हम लोग चेंज कर दिया है, इसका रोकर को भी चेंज कर दिया है, इसका प्लग दोनों चेंज कर दिया है। और इधर में जो इसका गैसकेट है वो भी हम लोग को तो लगाना होता है, खोलने के बाद तो गैसकेट लगाना होता है। और ये रहा पिस्टन का गजन पिन, ठीक है। तो ये रहा पिस्टन, तो आपको मैं दिखाता हूँ पिस्टन का। इस साइड में देखिए पूरा का पूरा सीज मार दिया है, मतलब सीज हो चुका है, इस पिस्टन पूरा दागी पड़ चुका है और थोड़ा चलने से तो टूट जाता रहा पूरा एकदम। तो अभी इस सिलेंडर किट हम लोग पूरा सेट लगा दिया है। अगर आपका इस सिलेंडर किट को कैसे लगाना चाहिए, कैसे कंपनी फिटिंग होता है, इसका रिंग कैसे लगाए, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इस जो ब्लॉक है, हम लोग ब्लॉक बोलता है एक सिलेंडर, तो इसमें आप लोग देख सकते हो पूरा दागी पड़ चुका है, इधर में देख रहे बहुत ही दागी पड़ चुका है। इसलिए गाड़ी नहीं चल रहा था, मतलब सूखा सूखा चल रहा था, इंजन ऑयल नहीं था। अगर इंजन ऑयल थोड़ा सा भी रहता तो एक गाड़ी थोड़ा चलने लायक हो जाता था। तो अभी आपको दिखाता हूँ इसका जो एसी पंप है इधर में, और इसका जो टेंशनर है ये भी ख़राब हो चुका है, टाइमिंग चेन भी ख़राब हो चुका है। ये टेंशनर जो है ना, ये इधर में कट 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 करके साउंड करता है, इसका वजह से इसका जो क्लच डिस है ये भी पूरा जल चुका है, यानी कि ख़राब हो चुका है। और इसका जो सामान है आपको दिखाता हूँ, चेन गार्ड ये भी हम लोग नया ऐड करने वाला है। और इधर में इसका सारा सामान यहाँ पे है, क्लास का साइड का सामान, ठीक है। तो आपको दिखा तो अभी इसका जो हाफ अप सेंटर है वो क्या हालत हो चुका है, तो देखिए तो ये रहा हाफ, ठीक है, क्लास हाफ। तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका इधर में कितना दागी हो गया देख रहे हैं, कितना डब गया। इधर में भी आप लोग देख सकते हैं सेंटर ये भी खराब हो चुका है, पूरा घिस गया है, ठीक है। ये सारे चीज सामान हम लोग को चेंज करना होगा। और इस गाड़ी में इस जो बजाज इंजन ऑयल है ये नहीं डालने का कारण इस तरह का सा प्रॉब्लम हो गया है इस गाड़ी में। तो अगर आपका इंजन ऑयल नहीं डालता हो, इस सारे चीज आपको बदलना होता है और आपका बहुत कीमत पड़ जाता है, 8-9 हज़ार रुपया आपका चला जाता है। अभी मैं आपको यही बोलने चाहता हूँ कि अगर आपका गाड़ी जब भी सर्विसिंग का तो इंजन ऑयल तो चेंज कर देता है मैकेनिक लोग, तो फिर भी अगर आपको इंजन ऑयल कैसे है, ख़राब है या सही है, उसको कैसे चेक करें, तो आप लोग देख सकते हो ज़्यादा दिन लास्टिंग करने से इस तरह से काला काला हो जाता है। और उसको कैसे चेक करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस कवर का साइड में एक आपको देखने को मिलेगा ग्लास, ठीक है, तेरह में इंजन ऑयल लेवल रहता है इस तरह का कवर में। इधर में दो दागी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो नीचे में एक दागी दिया गया, इधर में अगर लेवल में रहता है इंजन ऑयल तो लो होता है, तो इसको आपको तुरंत ही चेंज करना चाहिए। और ऊपर में देख रहे हैं आप लोग जो दागी दिया गया उधर का लेवल में अगर आपका इंजन ऑयल रहता है तो वो मैक्सिमम होता है, तो आपका गाड़ी का इंजन ऑयल सही है। अगर नीचे में जो लेवल में रहता है तो आपका गाड़ी का इंजन ऑयल तुरंत ही चेंज कर देना चाहिए। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं।